Hi, guys, welcome back to the podcast Daily Musings. and This is your host Mehreen Said. So, hi, everyone, and this is Ifshana. Hi, Ifshana. Hi, everyone. How are you all? Everyone must be good, I think so. <laughs> of course. Everyone. <laughs> anyway, good... I'm

तुम कैरी ऑन करो आई सी आई थिंक चुहंगम कहीं पर अलाउड नहीं है चुंगम का कोई ओकेजन नहीं है आई गेस सो गाइज दिस इज़ द सेकेंड वीडियो पॉडकास्ट दैट वी आर डूइंग टुगेदर एंड लास्ट एपिसोड इट वॉज गुड एंड काफ़ी सजेशंस आई और काफ़ी जो है इन फैक्ट क्वेश्चन आए रिगार्डिंग दैट एपिसोड सो आई हैव कंसिडर ऑल ऑफ दम जो कमेंट्स पे आए और जो डी एम में आए तो मैंने सारे क्वेश्चन कंसिडर किए हैं सारी सजेशन्स कंसिडर किए हैं आई एल गेट एन एपिसोड कि जहाँ पर मैं अपना ओपिनियन जो है उन क्वेश्चंस को लेके शेयर करूंगी एंड श्योरली द टॉपिक्स दैट हैज बीन सजेस्टेड हम वो भी करेंगे राइट या दे आर वेरी गुड वंस टू सो आज का एपिसोड विल बी पर्टिकुलरली अबाउट अबाउट आई डोंट थिंक इसका कोई ना, नाम नाम है कि ऐसा होना चाहिए नहीं इट्स जस्ट रैंडम राइट Not, not exactly so? random. वैसे it's it's more about uh, staying away. Like, away. I from mean, from from home. home, I mean, home. obviously. I mean, from home. Okay. Or I could say living independent. Yeah, maybe, yeah. maybe जो कि मुझे लगता है हमारी जनरेशन में काफ़ी लोग रहे मुझे लगता है सिंपली ऐसे बोला जाए कि लाइक हम हम कैसे रहे

जो भी मुझे बोला गया था तो कि आपको अभी जम्मू जाना है फॉर कॉलेज एंड आई कैप ट्राइंग फॉर एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट फोर फाइव डेज कंटिन्यूसली कि मैं ऐसा नहीं था कि मुझे जाना नहीं था मुझे जाना था बट मुझे क्या करना था मुझे घर को साथ लेके जाना था हमें घर पे वो सेफ्टी फील होती है कि यहाँ पे कोई हमें हार्म नहीं कर सकता कोई

री चार साल पांच साल चुटकी मैं जाएगी तुम्हें पता भी चलेगा नहीं जाना है अब मैं क्या करूँ आप समझाओ मेरे घर को कि मैंने नहीं जाना है बट दैट डेंट हैपन Exactly. जबकि तुमने खुद बोला था स्टार्टिंग में कि मैंने it? मैंने खुद ही कहा था uh. कि मुझे खुद ही जाना है और मैं फिर लास्ट में जब जाने का टाइम पे आया तो मैं खुद ही बोल रही थी कि नो no, मुझे अब नहीं जाना है सो दैट्स हाउ पीपल जो जाता है होम होते हैं उनको कभी ऐसा ही लगता है बट इट्स जैसे अब मैं तुम्हारी बात करूं

मेरे लिए अगर मैं बोलूंगी तो मेरे लिए काफी एडवेंचरस ही रहा तो वो मैं लाइक like, आगे बोलूंगी हाउ सो इट मीट वॉज लाइक एडवेंटेज अपने बारे में बोलूं तो मेरा वो ऐसे कोई ऐसा सीन नहीं था बिकॉज आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी मच अटैच्ड टू माय फादर तो मैं उनके साथ होती थी मैक्सिमम टाइम mm -hmm. तो मेरे को बाकी फैमिली का उतना पता नहीं होता था इट वाज नॉट फॉर मी इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट टू मूव टू दिस प्लेस बिकॉज आई वाज वेरी अवेयर ऑफ दिस प्लेस यू नो वेरी फैमिलियर टू इट तो मुझे वो पराया वाला जो फील है वो कभी नहीं आया बट आई विल आई विल श्योरली टॉक अबाउट द वन थिंग दैट इज स्टेइंग अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली लाइक ऑन माई ओन टोटली जहाँ पे मुझे हर छोटी exactly चीज़ yes, खुद तो, से करनी पड़ी हाँ, एक टाइम पे एंड इट वॉज लाइक कि मेरा अपना एक पर्सनल सा घर बन गया था हाँ, जिसके लिए मुझे आई यूज टू बी वरीड ऑल द टाइम एक्जैक्टली मेरे लिए तो मतलब मेरे घर पर जब मैं इधर आना था तो मेरे घर पर एक जॉक ही बन गया था जॉक इन देंस कि जब मुझे चॉइस दी चॉइस दी गई थी घरवालों की तरफ से कि लाइक श्री तुम्हें हम स्टे करो एंड श्रीनगर में पढ़ाई करो लेकिन मेरा था कि नो आई हैव टू गो आउट मैंने घर पर नहीं रहना है मैंने जम्मू में पढ़ना है जब जम्मू का ही प्लान बना था लास्ट में तो मैंने जम्मू ही पढ़ना है तो घर वालों ने बोला था कि तुम यही बैठ के यहीं पढ़ लो बट मेरा था कि नहीं मैं जम्मू जाना है उसके बाद क्या था मैं ही जो थी मैं ही रो रही थी कि मुझे आपसे दूर जाना है and they ये, ये, ये तुम्हारे exactly, yes, like खुद जाना है हमारा मानना था अगर बीच में कभी घर घर गई लाइक फर्स्ट टू थ्री जब मैं गई थी पहली पहले दो चार ही बारी गई थी तो सेम फीलिंग आ रही थी जब मैंने वापस आया तो नहीं मैंने वापस नहीं आया नहीं मैंने बट आई थिंक विथ टाइम वो चीज़ें एग्जैक्टली गॉट ओ दो थिंग्स तो अब उतना लाइक like, मुझे फील होता है अब जब जाते हुए बट इट्स नॉट लाइक दैट कि अब मैं तीन चार दिन रोना स्टार्ट कर दूँ पहले सो इट्स नॉट लाइक दैट नाउ वेल well, इसके साथ साथ मतलब एक तो होता है पहले आप बहुत ज़्यादा होम सिक हो आप घर से निकलना नहीं चाहते हो उसके बाद अगर आपने रिस्क ले भी लिया तो उसके बाद जो तुम्हें बाद में प्रॉब्लम्स फेस होती है, होती है।, है। और मैंने एक और चीज़ नोट की है फॉर 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 फैमिलीज मैंने देखा है कि लड़के को घर से बाहर जाने देना इज नॉट अ बिग डील फॉर देम तो दे आर लाइक सो ओके विदिट कि इसको पढ़ने के लिए जाना है इसको जॉब के लिए जाना है या इसको घूमने के लिए जाना है तो कोई भी पेरेंट जो है अपने बेटे को बेच देता है मोस्टली हमारी अपनी पर्सनल मतलब पर्सनल प्लेस की बात करें तो जो हमारा स्टेट है जो अब यूटी बन गया है तो वो मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आपका बेटा कहीं पे जाए वो लद्दाख के ट्रिप मार के आए या वो गोवा चला जाए वो कॉलेज के लिए चंडीगढ़ जाए या किसी और चीज़ के लिए कहीं जाए नो बढ़िया प्रॉब्लम बट अगर लड़की है तुम्हारे यहाँ तो मैंने देखा बहुत कम पेरेंट्स हैं जो मतलब इतने ओपन माइंडेड है और इतने मतलब इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि अगर लड़के को कोई हक है घर से बाहर जाने का तो इक्वली एक लड़की का भी है राइट एंड ये अगर आप बेच भी देंगे लड़की को बट उसको क्या करना पड़ता है हमेशा शी हैज टू स्टे एट हॉस्टल सम पीजी तो उसको हुँ. कभी अकेले इंडिपेंडेंटली रहने इजाजत नहीं सेम विद अस राइट जब हम हो पे आए थे पहली बात तो ऐसी हुई थी कि लड़की अगर आई थिंक आई आई थिंक थिंक मतलब जैसे तुमने बोला ना कि सपोज मैन वी केम हेयर for the first time mm -hmm. it was like

रही है या कोई लोन जा रहा है सो दिट विल बी मोर ओके सो पहले वही प्रॉब्लम्स आती है तो थैंकफुली कि हम लाइक like, साथ में ही थे तब तो मुझे वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी मैंने कहा नो आई हैव फ्रेंड विद मी तो अच्छा तुमने भी ऐसा ही कहा कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ में तो हमें वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी नहीं तो पहले हमारी यही प्रॉब्लम फेस होती है पहले यही प्रॉब्लम आती है क्या कि आपके साथ कोई है या नहीं है hmm, अगर आपके साथ कोई नहीं है देन वो वो तो उस हमारे फिफ्टी परसेंट चांस उस टाइम कम हो जाते हैं कि हम कहीं जाने देंगे आई आई डोंट नो नो व्हाई इज इट लाइक लाइक सो मे मे बी मे बी आई नो वाईज इट सो इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी डॉटी के साथ ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ कि आ, ऐसी काफ़ी वजहों में से एक वजह मतलब कुछ और है जहाँ पे पेरेंट्स जो है लड़कियों पे ही भरोसा नहीं करते हैं कि उनको वो बाहर जाने दें मैंने mm -hmm. ऐसे भी काफ़ी पेरेंट्स देखे हैं दट दे आर लाइक सो मच इन टू दिस कि मुझे बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है बट और उनको इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी कि बाहर बेटी जो है सेफ नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा उनको पता क्या मैटर करता है कि बेटी है इसको बाहर नहीं बेच सकते लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट एग्जैक्टली पहली पहली प्रॉब्लम मुझे लगता है हर माँ बाप को यही होता है कि लाइक like, हमारी बेटी बाहर सेफ रहेगी या नहीं रहेगी लाइक like, उनको पहली प्रॉब्लम तो ये होती है एंड आफ्टर दैट जो लड़कियों का बाहर ना जाना वो बोल रहे हैं कि लाइक like, हमसे हम दूर नहीं जानी चाहिए एंड आई डोंट नो वट आर द अदर रीज़न्स टू देम पेरेंट्स अगर मेरे पेरेंट्स की बात करो या किसी के पेरेंट्स की बात करो उनका पहले तो उनका यही आंसर होता है कि हम नहीं जाते हैं like, लाइक किस की वजह से सेफ्टी की वजह से हम लड़की पर उसके बाद सेफ्टी तो ऑब्वियसली सबका ही है सेफ्टी सबका कंसर्न है मैं नहीं मानती कोई पेरेंट होगा जिसको सेफ्टी का कंसर्न नहीं होगा mm -hmm. वो चाहे जिस कंट्री का हो मैं सेकंड फैक्टर बोल रही हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद भी जो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं बेटियों exactly, को एजुकेशन yes. के लिए करियर करियर वाइज या किसी और चीज़ के लिए उनको बाहर नहीं जाने देते हैं ये बहुत गलत है आई मीन अगर वर्ल्ड सेफ प्लेस नहीं है ऑब्वियसली हमें अपनी तरीके से पूरी कोशिश करनी है कि हमें अपना ख्याल रखना है खुद को सेफ रखना है बट दैट डज मीन लाइक विल स्टॉप लिविंग कि उसका मतलब ये तो नहीं है कि ये लगता है कि बेटी बाहर जाके बिगड़ जाएगी इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा एंड ऑल दैट तो uh, ये सेफ नहीं है अकेले तो डज दैट मीन कि uh, वो जिंदगी भर अपने घर से बाहर कोई जगह देखेगी वर्ल्ड नो अगर बेटी का आई थिंक अगर किसी का मन है और वो अपने पेरेंट को बोल रहा है कि लाइक आई टू गो मुझे बहुत लगते हैं। like, exactly they yeah. मैं अपनी बात करूँ तो क्या हुआ था मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ था कभी मैंने बोला था कि मुझे यू नो लद्दाख ट्रिप जो सबको करनी होती है अपने काफी <laughs> मैं बोलती हूँ क्या हुआ था उसके लिए उन्हें तो जब मैंने अपने घर वालों को बोला कि लाइक लद्दाख ट्रिप करनी है तो दे वो लाइक ओ oh माई गॉड किसके साथ क्या मतलब तुम्हारे तो फ्रेंड्स मैंने कहा भी ऑल फ्रेंड्स हम जा रहे हैं तो देवो लाइक ओके okay, अभी मत जाओ मौसम ठीक नहीं है पता नहीं क्या ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है सो तो अभी टाल टाल रहे थे टाल टाल रहे थे एंड सडनली तो मतलब वो फिर मेरी वो बात चली गई फिर मैंने भी तो अपने दिमाग से निकाल दिया ओके दे आर नॉट लेटिंग मी सो लेट इट बी तो मैंने वो दबा दिया अपने अंदर वो लद्दाख की ट्रिप मैंने दबा दिया अपना बट क्या हुआ कुछ देर बाद ही क्या पता चला कि मेरा, मेरा भाई हो आया जो मेरे से छोटा था वो लद्दाख हो आया एंड आई वॉज लाइक फीलिंग सो बैड एग्जैक्टली आई वॉज लाइक तुम वेर वो यूज इन थ्री डेज घर वालों को बोला हुआ क्या? वो शायद घर पर नहीं रहता वो हॉस्टल रहता था

थी नहीं थी है yes, yeah, मुझे गाइस ये लगता है कि मैं पर्टिकुलर अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मुझे लड़कों से नफरत है इसलिए मैं उनका ये पॉइंट काउंट करवा रही हूं उनका एडवांटेज है कि मैंने देखा कि कुछ भाई भी अपनी बहनों को नहीं जाने देते हैं yeah. और दे आर लाइक क्या करने जाएगी बाहर क्यों जाएगी जॉब के लिए क्यों जाएगी नो ऑल दैट आई डोंट नो कि वो क्या सोच के ऐसा बोलते हैं कि मतलब उनको सिर्फ उनको सिर्फ अपना दिखता है एंड अगर उस बंदे का खुद मन होगा वो उठ के चला जाएगा ही वॉन्ट इवन ही वॉन्ट इवन कंसडर कि मुझे बहन से एडवाइस लेनी है और इमेजिन अगर बहन ये बोले कि तुझे नहीं जाना है mm -hmm. वो तो हो ही नहीं सकता एंड उसके बाद वो दे आर लाइक वो ना फुल फुल ऑन की कंट्रोल बेटी बहन पे कि तुझे नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना है नो मतलब लोग बहुत कम सपोर्ट करते हैं ये ना जी घरों की बात है बाहर नो डाउट बड़ा बोलेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बट जब एक्चुअल में बात आती है ना उसको अप्लाई करने की तो नहीं करते हैं